हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो बहुत सारे डाउट्स हैं फॉर्म भरने को लेकर के। जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे मैंने लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। हर डाउट को क्लियर करूँगा। और जो ग्रुप हमने बनाया है, ग्रुप पे मैंने देखा है तो कई सारे इश्यूज आपके मैंने देखे हैं, वो लगभग बहुत सारे बच्चों के कॉमन है। तो पूरी लिस्ट तैयार कर ली है और मैंने जैसे आपको कहा था ग्रुप पे कि थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगा, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने घबराना नहीं है, है ना, हौसला रखना है और उस वीडियो को पूरा शांतिपूर्वक देखना है। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस एक वीडियो में, जितने भी डाउट्स आपके हैं। तो क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं बेसिकली देखो, सर्टिफिकेट को लेकर के आ रहे हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससीएसटी जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, जो रिलैक्सेशन लेने के लिए आप सर्टिफिकेट बना रहे हो, वो उसके को लेकर के इशू है। कहाँ से बनवाना है, क्रूशियल डेट है, फोटोग्राफ है, सर्वर का इशू आ रहा है, साइन को लेकर के और मॉडिफिकेशन को लेकर के, है ना। जिन्होंने सबमिट कर दिया है उनका भी कई इश्यूज हैं, तो सब के बारे में बात करेंगे करके, ठीक है। और स्टार्ट करने के पहले जैसा कि आपको पता ही है कि अपना जो टेस्ट सीरीज़ है इंग्लिश की, ये टाइप वाइज क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने तैयार की है। तो अगर आपका स्कोर नहीं बन रहा है, अगर आप इंग्लिश में स्कोर इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो आप ज़रूर इसमें एनरोल कर सकते हो। इसका कोड था ज्ञानशिला और मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग के 500 बच्चों के लिए ये कूपन कोड वैलिड रहेगा, बट कई सारे बच्चों ने तो करीब अब 1200-1300 बच्चे इसमें आ चुके हैं, बट अभी भी कई स्टूडेंट्स का कहना है कि हमको कूपन कोड की वो वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। तो 30 सितंबर तक, है ना, मतलब परसों तक ये कूपन कोड वैलिड रहेगा। तो आप चाहो तो उसमें एनरोल कर सकते हो। आपको ये 139 की टेस्ट सीरीज पड़ेगी, लेकिन आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने पढ़ भी रखा है कहीं से भी, कुछ भी मटेरियल आपके पास में है, आपका स्कोर अगर नहीं इंप्रूव हो रहा है ना इंग्लिश में, तो ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है स्कोर इंप्रूव करने में, ठीक है। तो आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ये अपनी वेबसाइट है ज्ञानशिला.co.in, वहाँ पर जाकर भी आप इस चीज़ को एनरोल कर सकते हो। अपने कोई ऐप नहीं है भाई, सिर्फ वेबसाइट ही है, वेबसाइट से आपको एक्सेस करना है। ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा बेहतर है किसी ऐप से, ऐप से फास्ट चलती है। और इस वेबसाइट को आप लैपटॉप पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, स्मार्ट टीवी पे, मोबाइल पे, कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कई बच्चों को जैसे उनका पेमेंट नहीं हो पाता है, मान लो टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं कर पा रहे वेबसाइट से, कोई लिंक से जो मैं दे रहा हूँ उससे नहीं कर पा रहे, तो ये बार कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हो, ठीक है। इससे आप डायरेक्टली पे कर सकते हो। बस आपको पे करने के बाद क्या करना है, बैठ नहीं जाना है, पे करके मुझे व्हाट्सएप पे अपना स्क्रीनशॉट दे देना। कुछ ही देर में आपका जो आईडी है, पासवर्ड है, वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपके पास जो टेस्ट सीरीज है वो पहुंच जाएगी, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप इस चीज़ में एनरोल कर सकते हो इंग्लिश की, बट बहुत ही बेहतरीन है यार, ध्यान रखना। इंग्लिश का जो वेटेज है ना, वो 45 क्वेश्चन आएंगे टीए टू में, 30% वेटेज है इंग्लिश का। और मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ इस टेस्ट सीरीज के ऊपर। मेरी कोशिश ये है कि आप एक नंबर भी ना कटे, ऐसे तैयारी आपकी हो जाए इंग्लिश की। और ये बहुत रेलेवेंट है, अगर आपको टॉप 100 में रैंक लगाना है तो आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब बात करते हैं डाउट्स के लिए। यार बहुत सारे बच्चों को भी नहीं पता है कि डाउट्स कुछ भी आ रहा है एग्जाम को लेकर के, एग्जाम की पढ़ाई को लेकर के, या फिर फॉर्म भरने को लेकर के, एप्लीकेशन को लेकर के। तो टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, वहाँ बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हैं, मैं भी वहाँ पर जवाब देता रहता हूँ कंटिन्यूसली जब मुझे टाइम मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, डाउट्स ग्रुप है, वहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश की जो इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं आपके, उनकी लिस्ट बना करके यहाँ पर उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, है ना, अप्लाई अब हो गया। तो ऐसा कुछ आ रहा होगा आपके सामने, ये लिखा आ रहा है कंप्लीट कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, है ना। तो देखो, ये जो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ 23 नंबर पॉइंट है, इसमें एसएससी ने नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है क्लियर कट, व्हेन एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड इट विल बी एक्सेप्टेड प्रोविजनली एंड स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन विल बी इंडिकेटेड एज एप्लीकेशन रिसीव्ड कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड। तो भैया एसएससी ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन में ये बात लिख के दी है कि ऐसा ऐसा लिखा आएगा, आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है कि मेरा तो कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड है तो उसका मतलब मेरा फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ है। आपको निश्चिंत रहना है, ऐसा अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपका फॉर्म जो है वो फाइनली सबमिट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, बस ये कि वो प्रोविजनल है। प्रोविजनल क्यों है, क्योंकि जो जानकारी आपने दी है वो आपके एंड पे दी है ना, इसको एसएससी वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए एसएससी ने लिख दिया। कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड लिखने का कारण ही है ये कि एसएससी इसको वेरीफाई नहीं करता, ना करेगा। अब ये वेरिफिकेशन जो होगा वो आपका यूजर डिपार्टमेंट करेगा, जहां पर आपकी नौकरी लग जाएगी। तो सरकारी अधिकारी बनकर जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आप जाओगे, वो डिपार्टमेंट का जो नुमाइंदा होगा वो इसको चेक करेगा। तो एसएससी इसलिए लिखता है कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड। हो गया, क्लियर हो गई ये बात, किसी ने सबमिट कर लिया है ना, तो परेशान मत हो, घबराओ मत, ये चीज़ आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपका कुछ छूट रहा है ना, मान लो कि आपको लगता है यार मैंने फॉर्म तो भर दिया लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है, इसमें मुझे चेंज करना था, या कुछ ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है, फोटोग्राफ किसी का ऐसा आ गया, किसी का ऐसा आ गया, साइन ऊपर नीचे हो रही है, तो उसका भी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, चिंता मत करो, ठीक है।
बस ये है कि एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने ये फॉर्म सबमिट कर दिया है तो फाइनली ना आपको एक पीडीएफ का ऑप्शन आता है पीडीएफ डाउनलोड करने का, कृपा करके उस पीडीएफ को डाउनलोड आप कर लें और अपने पास रखें। ऐसा नहीं है कि फॉर्म सबमिट कर दिया तो इतिश्री कर ली, एसएससी जाने और सा काम जाने, वो जो पीडीएफ आएगा ना रजिस्ट्रेशन का आपका, उसमें सारी डिटेल्स वो होंगी जो आपने भरी हैं। तो कई बच्चे मैंने देखा है हर साल रखते ही नहीं पीडीएफ, उनके पास होता ही नहीं, इतनी लापरवाही से फॉर्म नहीं भरना है, फॉर्म आपने भर दिया सबमिट हो गया है तो पीडीएफ आपके पास रखो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई जिसने अप्लाई करा है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट की, बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ मैं, तो बहुत सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सर्टिफिकेट फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, यहाँ पर ये जो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स, इस पॉइंट में जो नोटिफिकेशन में पॉइंट है इसमें तीन चीज़ को मैंने अंडरलाइन किया है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहाँ से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, लोग नायब तहसीलदार से बनवा रहे हैं, कोई किसी से बनवा रहा है, तो मैं आपको भी लिस्ट बता दूंगा कहाँ से आपको बनवाना है। दूसरा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, वो तीसरा है जो डिसेबिलिटी वाला है उसके बारे में। सबसे पहले नीचे वाला जो पॉइंट है ना उसकी बात कर लेते हैं, जो डिसेबिलिटी वाला पॉइंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो एक्ट 1995 है, देखो अगर आप डिसेबिलिटी से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो और वहाँ से अगर अप्लाई आप कर रहे हो, तो अगर आपका जो सर्टिफिकेट है मान लीजिए वो पुराने कानून के हिसाब से बना हुआ है, जो पुराना वाला एक्ट था 1995 वाला उसके हिसाब से अगर बना हुआ है तो वो भी आप एलिजिबल हो। जैसे कि आपको पता ही होगा सरकार ने 2016 में एक नया कानून बनाया था, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, तो अगर उसके आधार पर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो कोई इशू नहीं है, पुराना वाला भी चल जाएगा। अब बात करते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो सिंपल सी बात है, अथॉरिटी जो है ये देखिए एसएससी ने क्लियर कट यहाँ पे बता रखा है कि लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज एम्पावर्ड टू इशू कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट्स, कौन करेगा। अब ये जो आपको बता दूं, ये जो लिस्ट है ना ये सबके लिए लागू हो रहा है, केवल ऐसा नहीं कि एससी एसटी कैटेगरी या ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही चीज़ लागू हो रही है। मतलब ये पॉइंट नंबर वन में आप देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम है ना, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, इस प्रकार के जो क्लास वन ऑफिसर्स होते हैं, मतलब कि ग्रुप ए ऑफिसर की जो रैंक के लोग होते हैं, इनके द्वारा उसको इशू किया जाएगा तो मान्य होगा। सेकंड नंबर देख सकते हो, थर्ड नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, रेवेन्यू ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, क्लियर लिखा हुआ है। तो अगर आप कोई सा भी सर्टिफिकेट बनवा रहे हो और नायब तहसीलदार से बनवा रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं आप एग्जाम में टॉप के रैंक लगाना, आप जा करके रिजेक्ट होने वाले हो। नायब तहसीलदार का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, तहसीलदार या उसके ऊपर के रैंक का। और पॉइंट नंबर फोर देख लो, सब डिविजनल ऑफिसर्स ऑफ द एरिया वेयर कैंडिडेट और हिज फैमिली नॉर्मली रिसाइड्स, वो भी चलेगा, ठीक है। तो एसडीएम सब डिविजन मतलब एसडीओ हो गया, या एसडीएम उस लेवल का जहाँ पे आप रहते हो वो भी चलेगा, या फिर तहसीलदार या उसके ऊपर की रैंक अगर आप बड़ी सिटी में रहते हो तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो ये क्लियर रखना, इसके नीचे के रैंक किसी भी अधिकारी से आप नहीं बनवाए, कोई बना के दे भी रहा है तो उसको बोलना कि नहीं यार हमको ये लाना चाहिए। दूसरी बात यार, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट बन नहीं रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं पर्सनली भी जानता हूँ कई स्टूडेंट्स को जो पहले सिलेक्शन भी जिनके बच्चों के हुए हैं, 5-5, 6-6, 7-7 दिन में सर्टिफिकेट बन जाते हैं। थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, कोशिश करो, सब होता है, ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, सर्टिफिकेट ही बनता है। एससी और एसटी जो कैटेगरी होती है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ पहले ये क्लियर कर दूँ, जो आपके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो गया, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, हाँ, एनेक्चर 10, 11, 12, 13 जो ये आप देखोगे अपना नोटिफिकेशन में, यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि बिना उस फॉर्मेट के आप कोई सर्टिफिकेट मत बनवाना, क्लियर कट एसएससी ने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, एनेक्चर 10 में 11 12 13 में नोटिफिकेशन में क्लियर एसएससी ने बताया है कि जो फॉर्मेट एसएससी आपको दे रहा है आपको उसी फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट बनाना है। आप अपनी मर्जी से या किसी और के कहने से सर्टिफिकेट ना बनाएं, जो फॉर्मेट दिया हुआ उस फॉर्मेट में ही एक्सेप्टेबल होगा फाइनली, ठीक है। ये हो गया आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और सर्टिफिकेट वाला इशू, ठीक है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट के, सर्टिफिकेट के बारे में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट जो होता है वो तो देखो वो कास्ट का है तो बना ही रहता है, लेकिन ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है ना वो 3 साल के लिए बनता है। तो जिसका पहले से बना हुआ है सर्टिफिकेट और मान लो वो 3 साल की अवधि उसकी ख़त्म नहीं हुई है, तो आप लोग नया मत बनवाओ, समझ में आ गया। मतलब 8 अक्टूबर 2022 को क्रूशल डेट है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्रूशल डेट जो है वो 8 अक्टूबर 2022 है, तो 8 अक्टूबर 2019 को जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनका सर्टिफिकेट बना हुआ है उसके बीच में, मतलब 8 अक्टूबर 2019 के बाद अगर बना है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, नया मत बनवाना। ईडब्ल्यूएस वाले का तो फाइनेंशियल ईयर बनता है, तो 1 अप्रैल 2022 से आने वाले जो 31 मार्च 2023 तक का जो पीरियड है उसके लिए आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ समझ में आ गई आपको, और क्रूशल डेट क्लियर कट एसएससी ने मेंशन कर रखा है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, 8 अक्टूबर 2022 को ही आपका
मतलब वो क्रूशल डेट है, उसके बाद अगर आप सर्टिफिकेट बना रहे हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपको बात करें कि वो सुप्रीम कोर्ट वाले केस की बात करें, जो किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि कोर्ट में केस हुआ था, तो कोर्ट ने ये कहा था, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि SSC ये नहीं कर सकता कि केवल केवल उसका सर्टिफिकेट है जो क्रूशल डेट पर नहीं बन पाया है तो उसको आप जो DV है उससे बाहर कर देंगे। तो SSC क्या करता था, उसको प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लेता था, है ना। SSC कभी ऐसा नहीं करता था कि क्रूशल डेट के बाद का कोई सर्टिफिकेट बन रहा है तो SSC उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। SSC उसको प्रोविजनली एक्सेप्ट करके पूरा जो दारोमदार है ना वो यूजर डिपार्टमेंट पर डाल देता था। समझ में आ रही है बात। तो पहले ऐसा होता था कि क्रूशल डेट है 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर के बाद किसी ने 15 अक्टूबर का बनवा लिया तो बन गया, तो SSC क्या करेगा, उसको प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लेगा और फिर वो छोड़ देगा आपके डिपार्टमेंट में। आपको CBI में नौकरी लगी, CBI वाले जाना है, इनकम टैक्स वाली लगी तो इनकम टैक्स जाना है। पर अभी ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि SSC DV करवा ही नहीं रहा है। तो जो डिपार्टमेंट, जो SSC का DV का काम खत्म हो गया, तो अब किसके ऊपर आ गई बात आ गई यूजर डिपार्टमेंट पे। तो यूजर डिपार्टमेंट क्या चलेगा, कहाँ से चलेगा, वो चलेगा नोटिफिकेशन से। यूजर डिपार्टमेंट कोई मतलब नहीं है, वो फाइनली देखेगा नोटिस में क्या लिखा हुआ है, नोटिस में लिखा 8 अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर के पहले आपका बन जाना चाहिए किसी भी कीमत पे। तो अगर आपका सर्टिफिकेट 8 अक्टूबर के पहले नहीं बन रहा है तो कृपया करके कैसे भी करके बनवाएं उसको, ठीक है। और फिर भी नहीं बन पा रहा है तो फिर जनरल कैटेगरी से अप्लाई करें। अगर आप कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो और एज रिलैक्सेशन अगर आप लेते हो तो उस केस में, इन केस मान लो आपका कट ऑफ है, जनरल के ऊपर चला गया, जनरल को आप बीट कर गए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे क्योंकि आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हो। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और उस केस में अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो, है ना, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, बारीक चीज़ें। अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना है किन चीज़ों को आपको लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ OBC सर्टिफिकेट के, जो मैंने आपको बता दिया सुप्रीम कोर्ट वाली बात क्लियर कर दी पहले, ठीक है। अब आई फोटो की बात, यार बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, डेट डाल रहे हैं, नाम भी डाल दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा हुआ तुम गोत्र नहीं डाल रहे, अपना गोत्र भी डाल दो कि तुम्हारा गोत्र क्या है। पहली बात तो ये कि पहले ऐसा होता 2020 तक ये SSC का फॉर्मेट था कि डेट डालना पड़ती थी फोटो के ऊपर। अब कोई फॉर्मेट ऐसा नहीं है, अब आपको ऊपर आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यू अपलोड फोटोग्राफ टेकन ऑन आफ्टर 17 जून 2022, उस पर आपको टिक करना है यस कि हाँ ये बाद में लिया, पहले का नहीं है फोटो, पुराना नहीं है। तो फोटो के ऊपर आपको कोई डेट नहीं डालनी है, लेकिन इन केस आपने डाल दी है तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि 2021 में ऐसे कई बच्चों ने गलती की है। SSC भी इस चीज़ को समझता है कि 2020 में हम अभी तक ऐसा ट्रेंड चला रहे थे, अचानक से कोई चीज़ कम करी है। तो अगर फोटो में आपने डेट डाल भी दी गलती से तो कोई दिक्कत नहीं, इसको चले जान दो, मेरे हिसाब से वो 99% रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई शंका है, कोई डाउट है, तो थोड़ी देर बाद मैं उसका भी सोल्यूशन दे देता हूँ। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं हमको ऐसा डाउट है कि रिजेक्ट हो सकता है, तो सोल्यूशन उसका भी मैं दे दूंगा, ठीक है। बट निश्चिंत रहो, फोटोग्राफ में डेट जो अपलोड अभी करने वाले हैं ना, डेट बिल्कुल मत डालना। सिंपल फोटोग्राफ बताया, सामने खड़े हो जाओ, आपका आंखें सामने देखना चाहिए, दोनों कान देखना चाहिए, ठीक है, ऊपर टोपी नहीं, आंखों पर चश्मा नहीं, बस क्लियर कट, हो सके तो बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। समझ में आ गया, ऐसा आपको फोटो अपलोड करना है बिना चश्मे का, ये हो गया फोटोग्राफ। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है कि फोटो कभी ऐसा हो जा रहा है, कभी ऐसा हो जा रहा है, मतलब फोटो आपका 90 डिग्री या पूरा 180 डिग्री घूम जा रहा है। तो देखिए ये एरर है SSC के एंड पे, ठीक है। आप अपना अपनी ड्यूटी पूरी करो, फोटो आप सही डाल दो। इन केस मान लो फोटो घूम जा रहा है, कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको अपन करेक्शन के टाइम पे देख सकते हैं, अभी उसकी जरूरत नहीं चिंता करने की, ठीक है। आपने फोटो सही अपलोड किया है वो एक्सेप्टेबल होगा, चिंता मत करो। अगर वो घूम जा रहा है अगर सर्वर के एंड पे, SSC के एंड पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप उसके लिए परेशान मत हो, वो SSC उससे निपटेगा। क्योंकि अगर आपके साथ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पेशल हो या आप SSC से आपको कोई विशिष्ट प्रेम है, ये सबके साथ हो रहा, बहुत लोगों के साथ होता है ना, लास्ट ईयर भी हुआ था, ठीक है। तो वो एक्चुअली उनकी जो फॉर्मेट है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो कई बच्चों के फोटो जो है अपने आप घूम जाते हैं, तो परेशान मत हो। सिग्नेचर को लेकर एक डाउट है, बच्चे पूछ रहे हैं कि ब्लू से करें या ब्लैक से करें। देखो वैसे तो कहीं प्रिस्क्राइब नहीं है, मैंने पूरा फॉर्म अच्छे से पढ़ा, नोटिस अच्छे से पढ़ा है, तो कहीं प्रिस्क्राइब नहीं। लेकिन देखो आप अगर इसमें देखोगे ना डेमो में, तो ये काले रंग से की हुई है, ठीक है। और वैसे भी जब आप ब्लू से करते हो उसके कंपेरिजन में ब्लैक से करोगे ना, तो ब्लैक कलर ज़्यादा उभर के आता है, तो आपकी साइन जो है ना ज़्यादा क्लियर होती है, लेजिबल होती है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप ब्लैक से कर दो। अगर ब्लू से कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो करने वाले हैं उनसे कह रहा हूँ ब्लैक से करोगे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो इन्होंने जो स्पेसिमेन दिया हुआ है ना, इसमें काले रंग से किया हुआ है, ठीक है। अब कई बार ऐसा हो रहा है, जो सर्व कल जैसा हुआ था कि जब पेमेंट आप करने जा रहे हो तो वहाँ पर सर्वर डाउन हो जा रहा है, तो देखो ये नॉर्मल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ अप्लाई करते हैं, कभी कभी तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसके लिए वो डरने की जरूरत नहीं है,
ये रेक्टिफाई हो जाता है। अगर 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए वेबसाइट बंद होती है, कल मैंने तुरंत देखा था तो वेबसाइट चालू हो गई थी, तो कोई इशू नहीं है, तो ये वाले प्रॉब्लम भी आपकी नहीं होगी। अगर सर्वर बंद होता भी है तो टेंशन मत लेना कुछ भी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी चीज़ आपने गलती कर दी है, कुछ भी हो गया है, आपने सबमिट कर दिया है, आप कर रहे हो, आपको बाद में मालूम पड़ा कि आपको ये चेंज करना है, तो फॉर्म की लास्ट डेट तो आपको पता है 8 अक्टूबर है, लेकिन जो विंडोज़ करेक्शन की डेट है वो क्या है, 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर है ना। तो 2 दिन दिए हैं SSC ने करेक्शन के लिए, और आप 2 बार करेक्शन कर सकते हो। तो पहली बार जब करेक्शन करोगे तो 200 रुपये ठुकेंगे आपके, और 200 रुपये सबके, मतलब महिलाओं के भी, पुरुषों के भी, आप SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी से आते हो, सबको देना है। यहाँ कोई एग्जम्पशन नहीं है फीस का। करेक्शन के 200 रुपये पहली बार के, दूसरी बार के 500 रुपये ठुकेंगे, ठीक है। तो समझदारी से फॉर्म भरो, अगर 200 रुपये 500 रुपये बचाना है तो, और अगर आपने फॉर्म भर दिया है, आपको लगता है कि मुझे चेंज करना, जैसे कई बच्चों ने कहा कि मैंने डेट डाल दी फोटो पे, पर मुझे नहीं डालना है, भले ही उसमें आप वैसे होना कुछ भी नहीं है डेट में, अगर डाल भी दिया तो एक्सेप्टेबल है वो, बट अगर आपको लगता है, कोई डाउट लग रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको करेक्शन वाली जो विंडो खुलेगी 12 अक्टूबर को, तो करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया, जितना मेरे पास में जो डाउट्स आए थे ग्रुप में, मैंने पढ़ा था उसके ऊपर। इसके अलावा और भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, वहाँ जवाब दे दूंगा। अपना जो ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन करो, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं, और कोशिश करता हूँ मैं पढ़ता हूँ तो सारे जवाब वहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। तो ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और अगर आपको टेस्ट सीरीज में इनरोल करना है तो ज़रूर कीजिए, ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत कोशिश की कि इसको रीजनेबल प्राइस रखा जाए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। तो 139 रुपीज़ कुछ नहीं होता, 139 रुपये यार मतलब बहुत ही कम प्राइस है, और जो एफर्ट आप देखोगे ना, जिस लेवल पे मैंने काम किया उस पर, आपको बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप एनरोल करना चाहो तो डायरेक्टली लिंक से कर सकते हो, और डायरेक्टली आप पे करना है तो बार कोड से कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। कोई डाउट हो कमेंट्स में लिखो। इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू सो मच, जय हिंद।